दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो एक नई ताज़ा खबर के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, रेलवे में दो वैकेंसी निकालने के बाद, 90,000 निकालने के बाद एक और घोषणा की है कि टीसी और गुड्स गार्ड के लिए रिक्वायरमेंट होगा, जो आज न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन मार्च में आने वाली है। जी दोस्तों, ये पक्की खबर है, कोई फेक खबर नहीं है। मैं जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पक्की खबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सरकार ने 2018 में वैकेंसी की भरमार कर दी है। आप प्रिपरेशन की तैयारी करें, आप प्रिपरेशन को छोड़े नहीं, आपको जॉब ज़रूर लग जाएगी 2018 में। कोई भी जॉब, चाहे ELP हो, टेक्नीशियन हो, या ग्रुप डी हो, या होने वाली TC या गुड्स गार्ड के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं आपको क्या न्यूज है क्या। तो यहाँ पे हम मैंने एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, जो hindustan.com है, ये बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ पेपर है जो प्रकाशित होता है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये न्यूज कोई फेक नहीं प्रकाशित कर सकता है। तो यहाँ पे लिया, आज ही के दिन देख रहे हैं कि वेडनेसडे 22 फरवरी 9:35 AM IST इंडिया के टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 9:30 बजे प्रकाशित किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे में 12वीं पास के लिए होगी 3000 TC और 1000 गार्ड की भर्ती। तो आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इस न्यूज चैनल पेपर में। तो सरकार रेल संरक्षा वर्ग में ग्रुप सी और डी में लगभग 90,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद दूसरे चरण में टिकट कलेक्टर TC और गार्ड की भर्ती करने जा रही है रेलवे बोर्ड 12 मार्च के बाद। जी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट डेट है, 12 मार्च के बाद 3000 TC और 1000 गार्ड की भर्ती अब संबंधित सूचना जारी कर सकता है। इसमें 12वीं पास और स्नातक बेरोजगार युवा आवेदन कर सकेंगे जिसके पास ITI नहीं है। दोस्तों ये वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और ऑफर दे रही है। सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हम ITI नहीं किए हैं, तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है एग्जामिनेशन में बैठने का। तो ये उसी को टारगेट करके गवर्नमेंट ने ये इसमें ITI का कोई मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है। तो ग्रेजुएशन को और ITI को ऑप्शन मिला हुआ है। संरक्षा वर्ग में ITI अनिवार्य होने के कारण बड़ी संख्या में युवा रेलवे की मेगा भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल संरक्षा पदों जैसे ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, कीमैन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर आदि के लिए रेलवे बोर्ड ने पहली बार ITI अनिवार्य कर दिया है। इसे बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा रेलवे भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरे चरण में ग्रुप डी ग्रुप सी में लगभग 3000 TC टिकट प्रशिक्षक और 1000 गार्ड की भर्ती होने जा रही है। अधिकारी ने बताया कि बुकिंग क्लर्क, पूछताछ और रिजर्वेशन क्लर्क सहित रेलवे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी के कुछ अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। रेलवे में मार्च माह में 6000 से अधिक भर्ती की उम्मीद है। तो ये टोटल जो भर्ती है वो 6000 से ज़्यादा भर्ती होने की चांसेस है, उसके बाद भी और यहाँ पे भर्ती निकलेगी। उन्होंने बताया कि संरक्षण वर्ग में लगभग 90,000 पदों के लिए विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड का 1 करोड़ से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 मार्च है। इसके बाद TC गार्ड, बुकिंग क्लर्क व फार्मेस्टिक पदों की अभिभर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें RRB की वेबसाइट पर अधिक भार न पड़े, साथ ही परीक्षा कराने में व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों का सामना न कर पड़े। तो इन्होंने ये बताया कि एक साथ एग्ज़ाम लेने से उनकी एग्ज़ाम लेने में दिक्कत ना हो और फ्रॉड सिस्टम भी ना हो, इसीलिए एग्ज़ाम को अंतराल में या नोटिफिकेशन को एक अंतराल में निकाल रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने 8 जून 2017 को एक नए नियम जारी करते हुए TT की जिम्मेदारियां बढ़ा दी है। 26 बिंदु वाले नए नियमों की सुरक्षा के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोच के दरवाजे बंद रखना उनकी ड्यूटी में शामिल होगा। तो ये बेसिकली ड्यूटी में जो शामिल कर दिया गया, जिससे और वर्क बढ़ गया है और तो टिकट TT का सीट काफ़ी बढ़ गया है। रात में ट्रेन स्टेशनों पर खड़ी होने पर उन्हें प्लेटफॉर्म पर उतरना होगा, उसके पास खाली FIR फॉर्म हमेशा होना चाहिए, जिससे किसी घटना
होने पर यात्री की सूचना को उस फॉर्म में दर्ज हो सके और अगले स्टेशन पर ही फॉर्म FIR में तब्दील हो जाए। यात्री की तबीयत खराब होने पर चिकित्सा का इंतजाम करना होगा। कोच अथवा शौचालय को साफ करना कंडक्टर की जिम्मेदारी में भी शामिल होगा। तो दोस्तों ये बेसिक जो जिम्मेदारी TC का जो बढ़ गया है, जिसके कारण वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे और उसमें क्या होगा, उसका फलस्वरूप क्या होगा कि TC का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो जो रेलवे ने एक रूल निकाला है जिसके चक्कर में जिसे चलते वैकेंसी बढ़ रही है, और आप सब लोग जानते हैं कि 2019 में इलेक्शन होने वाली है, तो गवर्नमेंट अपने वोट के लिए भी बहुत सारे वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठा के आप जॉब ले सकते हैं। तो जॉब लेने के लिए आप तैयारी करते रहें। मैं वीडियो डेली पांडे गुरुजी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर सेक्शन का, जैसे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, GS का हो, GK का हो, और यहाँ पे वीडियो देखें। मैं फर्स्ट वीडियो का नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, तो टॉपिक के साथ उस पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया, तो आप पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद मेरे एक वेबसाइट है www.itofficerjob.com, तो ये वेबसाइट में जाइए, मैं ये वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने इस वेबसाइट को मोबाइल पे भी ऐप्स ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जाइए और स्टार्ट क्यूज कीजिए। स्टार्ट क्यूज से आपको क्या होगा कि आप जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका मैं क्यूज यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैं नंबर सीरीज का नंबर सीरीज का मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो यहाँ पर उसका भी क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे जाइए और वीडियो को देख के अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाइए, होम पेज पे जाइए और स्टार्ट क्यूज पे जाइए। स्टार्ट क्यूज पे जाने के बाद आपको को जो भी सॉल्व करना, देखिए मैं यहाँ पे टाइमर सेट किया हुआ है, आपको 10 क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करना है। उसके बाद आप जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं अपने मन से टिक मार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको आंसर कैसे मिलना है। जी दोस्तों, मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ क्वेश्चन को, आंसर को, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोई परचेज करने का ज़रूरत नहीं। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे मटेरियल। तो आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आप जैसे फिनिश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे यू हैव रीच 3 of 10 पॉइंट। मीन्स दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाया 10 क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे नंबर बताएगा कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको लगता है कि मैं वहाँ पे गलत कर दिया, तो रिस्टार्ट क्यूज पे कर सकते हैं। रिस्टार्ट क्यूज पे जैसे करेंगे उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको चेक कैसे करना है। तो ये वेबसाइट को आप डेली विजिट करें, मैं डेली इसमें MCQ प्रोवाइड करता हूँ, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट होगा। और इससे आपको ये होगा कि आप रेलवे में, और इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको टाइम बेनिफिट इसमें मिलेगा इस वेबसाइट से। तो वेबसाइट का नाम है www.itofficerjob.com, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे फिनिश कीजिए, फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 of 10 पॉइंट आया, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया किस क्वेश्चन में क्या गलत है। तो यहाँ पे जाइए व्यू क्वेश्चन में, और व्यू क्वेश्चन में जाइए यहाँ पे देखिए, जो भी गलत है वो रेड है, जो आंसर सही है वो ग्रीन कर दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दिखाएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सपोज आप जिस क्वेश्चन को सही किए हैं उसमें एक ही सिर्फ ग्रीन ही दिखाएगा, तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। आप अंदाजे मार सक देते हैं तो आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि स्टाफ का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप डेली वेबसाइट में विजिट कीजिए और क्वेश्चन को, क्यूज को सॉल्व कीजिए। मैं डेली अपने वेबसाइट पे डालूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।